हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने चैनल पर 4000 घंटे पूरे कर लिए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने 4000 घंटे इस चैनल पर पूरे किए और वो क्या ट्रिक्स है जिसको यूज करके आप भी अपने चैनल पर 4000 घंटे बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। बिकॉज मैंने भी ये व्लॉगिंग स्क्रैच से स्टार्ट की है, जो मुझे थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। किसी भी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए दो क्राइटेरिया आपको पूरे करने होते हैं या दो चीजों को पूरा करना होता है, जिसमें पहला है आपका 4000 घंटे और दूसरा है आपका 1000 सब्सक्राइबर। 4000 घंटे मतलब आपके यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं उसका टोटल वॉच टाइम 4000 घंटे होना चाहिए, यानी यूजर्स ने आपकी टोटल वीडियोस को टोटल मिलाकर 4000 घंटों तक देखा होना चाहिए, तब जाकर आपका एक क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। अब आते हैं मोनेटाइजेशन क्या मतलब होता है। मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि यूट्यूब आपके चैनल पर एड रन करता है जिसके आपको पैसे मिलते हैं और जिसका कुछ परसेंट यूट्यूब अपने पास रख लेता है। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे चैनल पर 4000 घंटे पूरे हो गए हैं, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे मैंने जीरो से अपने 4000 घंटे तक का सफर तय किया। तो जीरो से 4000 घंटे तक का सफर इतना ईजी भी नहीं था। अगर कोई आपकी वीडियो वायरल नहीं होती है तो 4000 घंटे पूरे होने में बहुत टाइम लग जाता है। मुझे चैनल स्टार्ट किए लगभग 1.5 साल हो गया और जिसमें मैंने अराउंड 80 वीडियो डाली, जिसमें कि मैंने 11 वीडियो प्राइवेट कर दी है। वीडियो को डिलीट नहीं करते, क्योंकि अगर हम वीडियो को डिलीट करते हैं तो उसके साथ उसका वॉच टाइम भी डिलीट हो जाता है। मैंने अपना ब्लॉग पूरी एनर्जी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया था और 1 साल तक रेगुलर वीडियोस भी अपलोड की, लेकिन जब 1 साल बाद तक भी मेरे वीडियोस पर व्यूज नहीं आए तो धीरे धीरे मैं डिमोरलाइज होने लगा और मुझे लगने लगा कि यार यूट्यूबिंग मेरे लिए नहीं है और शायद ब्लॉगिंग मेरे लिए नहीं बनी। फिर मैं इतना इस पर एक्टिव नहीं रहा और धीरे धीरे मैंने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने पिछले 7 महीने में केवल 4 वीडियोस ही अपलोड की। फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालना बंद कर दिया लगभग 3 महीने के लिए। और कहते हैं ना, YouTube पर जब आप वीडियो डालते हो, जरूरी नहीं कि वो वीडियो तभी की तभी वायरल हो जाए। किसी वीडियो का कोई टाइम होता है वायरल होने का। तो मैं लास्ट ईयर शिमला गया था, जहाँ के मैंने कुछ व्लॉग्स मैंने अपलोड किए थे इस चैनल पर, जिनमें से मेरे 3 व्लॉग थोड़े से वायरल हो गए, जिसमें एक पर मेरे 20,000 और एक पर 10K+ व्यूज आ गए। और 2 वीडियोज मेरी होटल की वायरल हो गई और एक अलेक्सा की वीडियो थी जिस पर एकदम अचानक से 1 साल बाद व्यूज आने स्टार्ट हो गए। तो टोटल मिलाकर मेरे 80% क्राइटेरिया जो मेरा 4000 घंटे का था, इन 6-7 वीडियो ने मेरा कंप्लीट कर दिया, जो कि आपको दिख रहा होगा साइड में। तो अभी कुछ दिन पहले जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया, लगभग 1 महीने पहले, तो मैंने देखा कि अरे मेरा 4000 घंटे पूरे होने में तो कुछ ही आर्स बाकी हैं। तो मुझे तब जाके पछतावा हुआ कि यार मुझे रेगुलर यूट्यूब पर लगे रहना चाहिए था। अगर मैं लगे रहता तो कम से कम ये जो मेरे 4000 घंटे अब जाके पूरे हुए हैं, ये बहुत पहले ही पूरे हो चुके होते। तो मैंने YouTube से क्या सीखा कि YouTube पर हमें रेगुलर बने रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिस वीडियोस पर आज व्यूज नहीं आ रहे कि उस वीडियोस पर कल भी व्यू नहीं आएंगे। YouTube एक ऐसा एल्गोरिदम है कि आपकी वीडियोस को वो कभी भी वायरल कर सकता है। जैसे कि मेरी ये जितनी भी वीडियोस वायरल हुई हैं, ये लगभग मेरी 7-8 महीने के बाद ही जाके वायरल हुई हैं। जब मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो लगभग स्टार्टिंग में मेरे चैनल पर 100 व्यूज पर वीडियो या 150 व्यूज पर वीडियो आते थे, जिनमें अभी भी मेरी लगभग 70% वीडियोस पर 100 से लेके 500 के बीच में ही व्यूज हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि मेरी 6-7 वीडियो ने टोटल मिलाकर मेरा 80% वॉच टाइम कंप्लीट कर दिया था और बाकी बचा 20% तो मेरे रिमेनिंग वीडियोज ने कंप्लीट कर दिया। इसलिए सभी वीडियो का उतना ही योगदान रहता है किसी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि वो क्या पॉइंट है या वो क्या तजुर्बा है जो मैंने सीखा इस व्लॉगिंग से 1.5 साल के अंदर, और मैं क्या आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके भी 4000 घंटे बहुत जल्दी पूरे हो जाएं। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल वही पॉइंट मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ और उसी की वजह से मुझे लगता है कि मेरे 4000 घंटे पूरे हुए। तो चलिए उन पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आपको अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है या कोई भी चैनल स्टार्ट करना है तो आप आज से ही स्टार्ट कीजिए। ये मत देखिए कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा या कोई अच्छा दिन आएगा या मैं उस दिन से स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप व्लॉगिंग आज से स्टार्ट कीजिए और आप आज कुछ भी डालिए और आपको हफ्ते में या आपको लगता है महीने में मैं 4 व्लॉग डालूंगा तो आप 4 डालिए, आपको लगता है 3 डालूंगा 3 डालिए, लेकिन आप डालिए जरूर। उससे क्या होगा कि जब आप 1 by 1 आप व्लॉग डालेंगे तो आप जब भी आप नेक्स्ट व्लॉग डालेंगे तो पिछली वीडियो से आपको सीखने के लिए मिलेगा कि भाई मैंने पिछली वीडियो में ये गलती की थी। तो आपका जो एक वीडियो क्वालिटी है वो हर वीडियो के साथ सुधरती चली जाएगी और आपको सीखने के लिए मिलेगा। जो दूसरी चीज़ है कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोलना चाहता हूँ, आप भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि अगर आपका इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट नहीं है जहाँ पर आपके अच्छे फॉलोवर हैं, अगर आपका फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे फॉलोवर हैं और आपको यूट्यूब पर भी कोई नहीं जानता, तो आप फैमिली ब्लॉग बिल्कुल ना बनाएं स्टार्टिंग में। अगर आप फैमिली ब्लॉग बनाएंगे, ये मैंने भी जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी मैंने बहुत वीडियोस में देखा कि सब लोग यही सजेस्ट करते थे और मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों सजेस्ट करते हैं, मेरी तो हिट हो ही जाएगी। अगर आपको कोई नहीं जानता तो आपके ब्लॉग को भी कोई नहीं देखेगा।
तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर आपको वीडियोस डालनी है तो केवल वैसी वीडियोस डालें जिससे यूज़र को कुछ रिटर्न मिले। जैसे कि मैं एक यूज़र हूँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो आपने उसमें अगर ऐसी वीडियो बनाई है कि जैसे मैंने बनाई थी कि आप कहाँ जाएँ कैसे जाएँ, तो वहाँ पर यूज़र को एक चीज़ मिल रही है कि वो उसे कुछ सीख रहा है। तो या तो यूज़र का कुछ ऐसा बनाएं कि वो कुछ सीखे, या यूज़र को आप बाहर जाकर कुछ नई चीज़ दिखाएं, जैसे कि आप हरिद्वार जा सकते हैं, आप ऋषिकेश जा सकते हैं, आपको केवल बाहर निकलकर बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखानी है, शहर दिखाने हैं, प्लेसेस दिखाने हैं जिससे लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, या कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे लोग कुछ सीख सकें। आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जा सकते हैं, आप ताजमहल जा सकते हैं। तो अगर आप बाहर की चीज़ों को दिखाएंगे तो आपके व्लॉग पर बहुत जल्दी टाइम पूरा हो सकता है। अगर आप घर के व्लॉग में ही लगे रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक साल में अपने टाइम पूरा कर पाएंगे। आपको वीडियो रेगुलर बनाते रहनी है। आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरी वीडियो अभी नहीं चल रही तो आगे भी नहीं चलेगी, वो आगे कभी भी चल सकती है। और सबसे लास्ट बात कि जितना टाइम आप वीडियो बनाने में लगाते हैं और जितनी वैल्यू आप वीडियो में देते हैं, उतनी ही वैल्यू आपको थंबनेल में भी देनी चाहिए या थोड़ा टाइम लगाना चाहिए। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो लोग पहले आएंगे आपके थंबनेल पर ही क्लिक करेंगे और तब जाकर आपका कंटेंट देखेंगे। तो ये थी कुछ बात जिससे आप 4000 घंटे पूरे कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, या मैं देखूंगा कि उसके ऊपर मैं अगर वीडियो बना सकता हूं अच्छी सी तो आपके लिए वीडियो भी लेकर आऊंगा। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।